हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएमडीसी स्टील, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, जेपी पावर, ट्राइडेंट और बीएलबी लिमिटेड शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनएमडीसी स्टील के ऊपर। एनएमडीसी के शेयर में हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा तेजी हुआ। फाइनली अगर देखेंगे तो सेकेंड हाफ तक स्टॉक ने ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे अपना 50% गेन लूज कर दिया और 57.55 रुपीज़ के लेवल पे स्टॉक का फाइनली क्लोजिंग हुआ है। अगर हम लोग प्रीवियस वीक की बात करेंगे तो स्टॉक जो है प्रीवियस वीक में 2.25% नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे प्रीवियस वीक में इस स्टॉक में हम लोगों को ज़्यादा बड़ा मोमेंटम देखने को मिला नहीं, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में देखने को नहीं मिला। पूरे मंथ की अगर बात करेंगे, लास्ट वन मंथ की बात करेंगे तो स्टॉक जो है लास्ट वन मंथ में 24.57% के रिटर्न के साथ एक अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट अपने मंथ के हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। और लास्ट सिक्स मंथ में स्टॉक ने 59% का रिटर्न दिया है और स्टॉक सिक्स मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। चलिए बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक हम लोगों को एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला था, जब 47 रुपीज़ से स्टॉक ने एक ही दिन में 52 रुपीज़ 50 पैसे तक गया। उसके बाद स्टॉक में एक साइडवेज मोमेंटम दिख रहा है और स्टॉक जो है स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड में जा रहा है। करंटली अगर बात करेंगे वीकली चार्ट पे स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है, यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिला है, बट इस वीक में एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन जरूर देखने को मिल रहा है। प्रीवियस टू वीक से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हुआ था, इस वीक में जो है इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है अभी चार्ट पैटर्न नेगेटिव नहीं हुआ है, तो अगर आपके पास स्टॉक है तो फिर आपको इस गिरावट से अभी घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा जब स्टॉक 60 रुपीज़ के लेवल के ऊपर डेली बेसिस पे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो फिर आप यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। नीचे की साइड अगर बात करेंगे तो नीचे की साइड जो है अभी 50 रुपीज़ का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 45 से 50 के जोन में स्टॉक 4 वीक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हुआ है। तो नीचे की साइड अगर निकलता है तो फिर 50 रुपीज़ का लेवल जो है वो आपको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब तक 45-50 का लेवल इंटैक्ट है, यहाँ पे जो है आपको कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप 60 रुपीज़ के लेवल के ऊपर डेली बेसिस पे अगर स्टॉक निकलता है तभी फ्रेश बाइंग करें, नहीं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि इस रेंज में स्टॉक जो है थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। स्टॉक में इस वीक में हम लोगों को अगेन इस स्टॉक में भी एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। स्टॉक में डोजी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है वीकली बेसिस पे, साथ ही साथ एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हुआ, यहाँ पे 2 वीक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक शानदार तेजी। अगेन सेम सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है, जो स्टॉक में जो है एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो कोई भी फ्रेश पोजीशन जो है इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट होने के बाद ही आप लेंगे, तो 175 के लेवल के ऊपर ही जो है यहाँ पे आपको फ्रेश पोजीशन लेना है। अब अगर आप इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है, स्टॉक में अभी यहाँ पे हम लोगों को कोई भी निगेटिव ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है, ना डेली चार्ट पे और ना ही वीकली चार्ट पे। डेली चार्ट पे भी स्टॉक यहाँ पे जरूर हॉल्ट कर रहा है, 160 से 175 के रेंज में जो है स्टॉक यहाँ पे जरूर हॉल्ट कर रहा है, बट स्टॉक में हम लोगों को एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन या रिवर्सल का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो स्टॉक में अभी और तेजी देखने को मिल सकता है, तो अगर आपके पास स्टॉक है
तो यहाँ पे आप होल्ड करके रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में वापस से आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगर 175 के लेवल के ऊपर स्टॉक यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लोज देता है, तो वंस अगेन आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। डाउन साइड में 160 के नीचे जो है आप इस स्टॉक में एसएल रख के डेली बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर की साइड में जो है 190, 200, 225 ये सभी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है जेपी पावर। जेपी पावर के शेयर में एक शानदार तेजी हम लोगों को प्रीवियस वीक में देखने को मिला और स्टॉक एक बहुत ही अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। क्लियरली अगर आप यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आपको यहां पे दिखेगा 10 रुपये से 11 रुपये इस स्टॉक के लिए एक रेसिस्टेंस जोन है। प्रीवियस वीक में भी स्टॉक ने जो यहां पे हाई लगाया है वो हाई लगाया है आपको 10 रुपीज़ 5 पैसे का, और उसके बाद ही उसके 10 रुपीज़ के लेवल से ही थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। इससे पहले जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो क्लियरली जब जेपी पावर के ऊपर इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था, स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ था और मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट टारगेट यहां पे 10 रुपीज़ का होगा, लेकिन इस स्टॉक में 11 रुपीज़ के ऊपर और शानदार तेजी देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पे अगर देखेंगे तो क्लियरली अब आपको रीजन दिख जाएगा जो स्टॉक 2015 से 11 रुपीज़ के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होने वाला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक कि स्टॉक आपको 11 रुपीज़ के लेवल के ऊपर एटलीस्ट डेली बेसिस पे क्लोज नहीं होता है आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है। उसके साथ ही एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के साथ ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक 5 ईयर के टेन्योर में स्टॉक ने बनाया है एक कप एंड हैंडल पैटर्न। अब कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी आपका 11 रुपीज़ के लेवल के ऊपर होगा। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपको पता है जो कप एंड हैंडल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो टारगेट होता है कप का डेप्थ। यहाँ पे कप का डेप्थ है ऑलमोस्ट आपका 10 पॉइंट का। ऊपर की साइड मिनिमम आपको 10 पॉइंट का यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकता है, तो 20 रुपीज़ का टारगेट जो है इजीली इस स्टॉक में अचीव हो सकता है। बट यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 20 रुपीज़ से ज़्यादा का भी आपको टारगेट मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट रेसिस्टेंस 25 रुपीज़ के लेवल पे है। तो स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी आपको 150% का एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है स्टॉक डेली चार्ट पे 11 रुपीज़ के लेवल के ऊपर क्लोज हो। करेंटली अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है वो आपको 10 रुपीज़ के नीचे ट्रेड कर रहा है। 9 रुपीज़ 50 पैसे के लेवल पे स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, बिल्कुल 10 रुपीज़ के लेवल से ही इस स्टॉक में सेलिंग दिखा है। बट ये एक आपको प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग इस स्टॉक को नीचे के लेवल से होल्ड कर रहे हैं, तो एक बार रेसिस्टेंस लेवल आता है या फिर उनका पैसा अगर 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाता है, स्टॉक काफ़ी दिन से चल नहीं रहा था, तो वो जैसे ही प्रॉफिट में आते हैं वहाँ पे वो सेल आउट करने के लिए देखते हैं। तो इसी वजह से अगर आपके पास है तो आपको घबराना नहीं है, फ्रेश पोजीशन आपको 11 रुपीज़ के लेवल के ऊपर लेना है। यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोज होगा उसके बाद एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा, साथ ही साथ कप एंड हैंडल पैटर्न भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो 11 रुपीज़ के ऊपर फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट में हम लोगों को एक अच्छा तेजी इस वीक में देखने को मिला था, बट स्टॉक ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं किया, एक अपर वीक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। स्टॉक जो है अभी भी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, 30 रुपीज़ से 44 रुपीज़ के रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ सकता है, एक अपर वीक रिजेक्शन है, साथ ही साथ डेली चार्ट में देखेंगे प्रीवियस 3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। बट इस सेल ऑफ से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे कंटिन्यूस सेल ऑफ देखने को मिला, बट उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम किया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में ज़्यादा बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है, कोई एग्रेसिव सेलिंग नहीं है। एक बार स्टॉक वापस से इस लेवल के ऊपर क्लोज देता है तो 44 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इस स्टॉक में एक शानदार तेजी आपको देखने को मिल सकता है। वीकली बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो 44 रुपीज़ के लेवल के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में जो है 57-58 उसके ऊपर 70 रुपीज़ का भी लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास है तो आप होल्ड करें, फ्रेश पोजिशन 44 रुपीज़ के लेवल के ऊपर बनाना है, एसएल जो है आपको 30 रुपीज़ के नीचे का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है। और लास्ट स्टॉक है बीएलबी लिमिटेड। इस स्टॉक में हम लोगों को वीकली बेसिस पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टॉक में एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है, ऊपर के लेवल से स्टॉक में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये लेवल जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक, ये पहले से भी एक सपोर्ट लेवल है, इसी लेवल से स्टॉक में स्पाइक आया था, वापस से स्टॉक इसी लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है,
यहाँ पे अगर बात करेंगे फ्रेश पोजीशन 25 रुपीज के लेवल के ऊपर ही एक अच्छा बनेगा, उससे पहले आपको यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो स्टॉक में एक अच्छा गिरावट के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, वेट कीजिए 25 रुपीज के लेवल के ऊपर का ब्रेकआउट का। जब तक 25 रुपीज के लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं करता है, इस स्टॉक में फ्रेश तेजी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी है, नीचे की साइड में आप इस लो के नीचे 18 रुपीस के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अपने एसएल को प्लेस कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी है, और फ्रेश पोजीशन जो है वो आपको 25 रुपीस के लेवल के ऊपर बनाना है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।